और हमारी जब मंडियां खत्म हो जाएगी तो हम उससे बड़े बिचौलिए हमारे यहाँ आ जाएंगे। भारत बंद का ऐलान मंगलवार को किया हुआ है और जो 2 महीने पहले थी, आप मान रहे हो तो इट इज लाइक गिविंग टॉफी टू अ चाइल्ड। या यूपी से आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं? पर्सनली जाके कितने लोगों को पूछा है कि आपको कोई रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रही है? सबका यही जवाब था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर उन लोगों के हित में नहीं, इफ दे थिंक दैट इट इज नॉट इन देयर फेवर, देन एटलीस्ट गवर्नमेंट शुड थिंक वंस बिफोर कंडक्टिंग दिस थिंग। घरों में बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदेंगी और बड़ी बड़ी कंपनियों के एजेंट बड़ा मोटा मुनाफा खाए। काशीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जरूरत नहीं है सरकार ने, वो क्यों दे रहे हैं जबरदस्ती, थोक क्यों रहे हो? बुजुर्ग लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमारी आधी निकल गई है, आधी और यही निकाल डालेंगे। ये कड़ी पकौड़ा, ये गाजर मटर आलू मिक्स सब्जी, ये पुलाव मटर गाजर आलू। कोई चाय ला रहा है, कोई पानी ला रहा है, चाय पानी दोनों ला रहा है। लोग कोई ये भी नहीं है कि सिर्फ ऐसा सीखा है या ऐसा, हम एक इंसानियत उससे आते हैं। लेकिन अदरक की और इलायची की आ रही है भाई। हाँ, इलायची और अदरक डाला है। अगर बारे बारे आदाब नमस्कार, मैं हूं अकरम खान, द न्यूज गेट में आपका स्वागत है। लगातार मैं कवरेज दे रहा हूं आपको किसानों की। काशीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। इससे पहले सिंगू बॉर्डर, गुरुग्राम और अलग अलग जगहों से मैंने अलग अलग कवरेज दी है। सबसे पहले मैं आपको ट्रैफिक का दोबारा से अपडेट दे देता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि NH9 जो पहले NH24 था, ये अभी ब्लॉक है, एक तरफा ब्लॉक है। गाजियाबाद से या यूपी से आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं, उसके लिए किसानों के लिए रास्ता बंद कर रखा है। सिंगू बॉर्डर पूरी तरीके से बंद है। रोहतक रोड है, वो पूरा बंद हो गया है। दिल्ली आगरा हाईवे पर जबरदस्त जाम लगा हुआ है, वो बंद हुआ था। मध्य प्रदेश से लोग चल चुके हैं पलवल और दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पर भी ट्रैफिक में ज़बरदस्त अवरोध है। बातचीत सफल नहीं हो पा रही है, बातचीत में अवरोध लगातार आ रहे हैं, सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। कुछ संगठन थे जो बात कर रहे थे कि संशोधन हो जाए तो सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन अब किसान पूरी तरीके से अड़ गए हैं कि तीनों बिल वापस होंगे तभी उसके ऊपर सेटलमेंट हो पाएगा। कुछ लोग आए हुए हैं, कहाँ से हैं आप लोग? अमनदीप सिंह फ्रॉम पीलीभीत। अच्छा अमन जी, अब ये बताइए, कुछ संगठन ने उनका ये बोलना था कि हम लोग अगर संशोधन हो जाए तो मामला बन सकता है, तीनों बिल वापसी की बात नहीं थी, लेकिन अब सब तीनों बिल वापसी पर अड़े हुए हैं। जी सर, हम अपने घर से आए हैं और हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरे जो सवाल का जवाब है, संशोधन एक सिर्फ सलावा है, वो जो हमारी मूल अधिकार है, हमें तीनों बिल की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वापस लेना चाहिए। दूसरी बात, APMC मंडियां जो ख़त्म कर रहे हैं आप, एक तरफ संशोधन में APC मंडियां नहीं दे रहे हैं हमें, और हमारी जब मंडियां ख़त्म हो जाएगी तो हम उससे बड़े बिचौलिए हमारे यहाँ आ जाएंगे। हमसे हमारे घरों में बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदेंगी और बड़ी बड़ी कंपनियों के एजेंट बड़ा मोटा मुनाफा खाएंगे। ऐसा ही उदाहरण बिहार में चलता आ रहा है। हरियाणा में पहले इन्होंने कई क्षेत्रों में ऐसा APMC मंडियां ख़त्म करके इन्होंने सीधा किन्नू की सीधी जो थी बड़े बड़े फैक्ट्रियों को उठाने के लिए कहा था, लेकिन वो आज की डेट में कतई जीरो प्रोसीजर है। सरकार कह रही है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है जो अभी तक की बात चल रही थी, उसके लिए आप क्या बोलोगे? नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल भ्रम नहीं है। ये किसानों के लिए जो ये बिल बना रही है सरकार, ये बिल्कुल ही हमारे पक्ष में नहीं है, तो हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये वापस न लिए जाएं। तीनों बिल शर्त है जी, तीनों बिल जब तक वापस नहीं होने चाहिए। इसमें तीनों चीज़ें जो हमारे तीनों बिल जो हैं बिल्कुल नुकसानदायक है। एक तो मंडियां ख़त्म हो रही, दूसरी बात हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जब हमारे यहाँ बड़े बड़े लोगों की ज़मीनें जो छोटे काश्तकार हैं उनकी ज़मीनें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे लीज पे ले ली जाएंगी, हमें ये तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हो गया कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक छोटे से व्यापार से पूरे देश को गुलाम कर लिया था, ऐसे ही पूंजीपतियों से पूरे देश को ये गुलाम करना चाहते हैं। देखिए ये पीलीभीत से आए हुए हैं, इन्होंने अपनी बात रखी थी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं अपनी बात? इधर के बोलो। जी, हम जिला हरदोई से आए हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि सरकार को MSP जो है कानून के दायरे में लानी चाहिए। सरकार कह रही है कि हमारा MSP चल रही है, लेकिन MSP 1868 का रेट धान का निकाल दिया, बिक रहा 900-1100। MSP कहाँ रह गई? किसान की आय दुगनी कह रहे हैं, किसान की आय दुगनी कहाँ से आई? 1800 का 900-1100 में बेच रहे हैं, तो ये किसान विरोधी बिल आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ ये बात तो खैर जी। अच्छा, एक आखिरी बात इसमें आते होना चाहूँगा कि भारत बंद की जो कॉल है मंगलवार को, उसके ऊपर अटले हुए हैं अभी आप? बिल्कुल, हम चाहते हैं और हमारा हम सभी से आग्रह भी करते हैं, व्यापारी वर्गों का भी इसमें नुकसान है और मजदूर का भी नुकसान है, सभी लोग इसमें इसे भारत बंद को सफल बनाएं।
भारत बंद का ऐलान मंगलवार को किया हुआ है और खुले तौर पर बार बार ये बोलना है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पूरे तरीके से काबिज हो जाएंगे धनी पर, जो इन सब किसानों का बोलना है और जो विदेशियों का उनका कब्जा हो जाएगा, ये इन सब लोगों का बोलना है, ये सब बातें इन्होंने कही हैं। अब देखिए पीछे की तरफ लंगर चालू है, अब क्या क्या है, क्या क्या खास है, आइए चलकर देखते हैं, इसमें समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं आज। आइए अब आ गया कैमरा पर्सन, अब देखिए इधर आप खाने का मज़ा लीजिए, कड़ी देखिए पहले आप उधर कड़ी, वो देखिए ये रही कड़ी, वाह भाई वाह कड़ी, ये कड़ी पकौड़ा है, ये कड़ी पकौड़ा है, ये गाजर मटर आलू मिक्स सब्जी, ये पुलाव मटर गाजर आलू गोभी साथ में। आज का ये दोपहर का खाना है? हाँ जी आज दोपहर का है, बस चलता ही रहता है, चलता रहता है, रात 12-1 बजे तक चलता रहता है, 12-1 बजे तक ऐसे चलेगा निरंतर। हाँ सब सुबह से देखिए शुरुआत हो जाती है, 8-9 बजे से शुरुआत हो जाती है और रात के 11 बजे तक चलता रहता है। मैंने कहा ना, देखिए स्ट्रगल अपनी जगह पर है, एजिटेशन है वो प्रोटेस्ट है अपनी जगह पर है, सरकार अड़ी हुई है बिल के ऊपर वो अपनी जगह पर है, लेकिन गुरु का लंगर है उसकी एक अपनी मान्यता है और वो सबके लिए है, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये क्या है। अब देखिए मतलब इस तरीके से पूरा सारा सर्व होता है और सभी को यहाँ जितने भी लोग हैं इधर वो उसमें कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई तबका नहीं है विशेष, जो भी है एक कतार में एक लाइन में सभी लोग हैं, बैठे हुए हैं, बड़ा भी है छोटा भी है, अमीर भी है गरीब भी है, किसान भी है, एक धर्म वाला भी है दूसरे धर्म वाला भी है, हर धर्म का है हर जात का है, लाइन से सब बैठे हुए, एक सूत्र इनमें जुड़ा हुआ है और वो है इंसानियत का, मानवता का। देखिए पीछे से आवाज़ आई कि चाय भी है और ये सब के बाद चाय का चटखारा हो जाए तो बात क्या है, चाय के साथ गजरेला है, गजरेला गाजर का हलवा, गाजर का हलवा, गजरेला गजरेला, क्या बात है क्या बात है। तो ये सारी चीज़ें आपको इधर मिलेंगी क्योंकि जो सब मैंने बताई आपको। अब आगे चलते हैं देखते हैं और क्या खास है इन जगहों पर और क्या क्या चीज़ें। आइए ये सेवा है यहाँ की क्या कहीं पर भी आप जाओगे इस तरीके से लंगर के, जहाँ पर इस तरह की गैदरिंग होती है अक्सर कम्युनिटीज़ में रहती है कि लंगर चलता रहता है, दाल रोटी और इस तरीके से मामला सारा जारी है, लगातार ही जारी है। तो कितने लोग तकरीबन आ जाते हैं इधर? ये डेली जो लंगर बनता है कुछ 10-15 हज़ार लोग खाना जो खा जाते हैं डेली का। हाँ नाश्ते में जो चाय के साथ ब्रेड वगैरह रस बिस्कुट सभी। और ऑर्गेनाइजेशन भी आ रही है बाहर, यूनियन है जो आपको मदद कर रही है खाने के लिए दे रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, लोकल भी लोग जो संगत हैगी है वो साढ़े इतने आन के अपना योगदान पा रहे हैं, लागों लागों संगत आ रही ने, कोई आटा चावल दाल वगैरह सारा समान जो अपनी जो नई श्रद्धा सेवा कर रहे हैं, जिसकी जो श्रद्धा है जो सेवा है वो यहाँ पर जैसे जैसे। और देखिए यहाँ पर इसी तरीके से ये सिलसिला इधर जारी रहता है। इधर देखिए भाई देखो अलग अलग तरीके से सब अपनी अलग अलग सेवा कर रहे हैं, कोई चाय ला रहा है कोई पानी ला रहा है, चाय पानी दोनों ला रहा है, कोई खाना आ रहा है, तो कैसे लंगर बन रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको चाय दिखाऊंगा, चाय दिखाओ भाई बढ़िया से, ठीक है चाय अभी तो पानी अरे अच्छा नीचे चाय खत्म हो गई, अभी दूध डलेगा इसमें, अभी दूध आ रहा है दूध डलेगा अभी, लेकिन अदरक की और इलायची की आ रही है भाई। हाँ इलायची और अदरक डाला है। हाँ डाला हुआ है, अब बात है। चाय के साथ और क्या क्या रखा हुआ है? ये बिस्कुट है जी, मट्ठी है। अच्छा 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 बोलो अच्छा, शक्कर बारे मट्ठी भी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो ये रोटीन रोज का काम है आपका? हाँ जी हाँ जी। हाँ बिल्कुल। देखिए ये एक ग्रुप है जिसके बारे में मैंने बता दिया, ये ग्रुप है पूरा, कहाँ से हैं आप लोग? जी हम ईस्ट दिल्ली से हैं, लक्ष्मी नगर से, लक्ष्मी कॉलोनी। तो सेवा हो रही है? हाँ जी हाँ जी, लंगर में सेवा हो रही है, गुरु की सेवा, गुरु का लंगर है जी, गुरु का लंगर है। आगे आ जाओ भाऊ जी, आ जाओ, गुरु का लंगर है, गुरु का लंगर है जी। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि लंगर भी हो रहा है सब कुछ हो रहा है, हाँ तो इसमें एजिटेशन कहाँ है? कुछ लोगों का ये भी बोलना है, लेकिन आप सेवा कर रहे हो? हाँ जी हम सेवा से आए हैं, हेजिटेशन ऐसे कुछ भी नहीं है, हम लोग कोई ये भी नहीं है कि सिर्फ एज अ सिख आए हैं या एज अ, हम एक इंसानियत के उससे आते हैं और गुरु महाराज की कृपा है, बस उसी के बेस पे लंगर की सेवा चलती आ रही है, हम भी हमें हिम्मत बल बख्शा है भगवान ने, हम उसी मोटिव से सेवा करते रहते हैं। इंसानियत मानवता सर्वोपरि, मानवता सबसे ऊपर है, इंसानियत के तौर पर पहुँचे बाबू जी। देखिए मेन मोटिव यहाँ पर आके जो सेवा करना ही है, ठीक है, सरदार वैसे भी सेवा करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि जो फार्मर्स आके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं
एन नंबर्स ऑफ रीजन है जिसकी वजह से वो यहाँ पर है। तो मतलब सिंपल सी मोटिव ये है कि हम लोग जितनी हेल्प कर सके अपनी तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बस यही मेन है। आप रेगुलर आते हो या आज ही पहुँचे हो आप? जी हम हर महीने सेवा करवाते हैं, हम गुरुद्वारे में लंगर लगाते हैं, हम हॉस्पिटल के बाहर लंगर लगाते हैं। और जैसा कि अमन ने बोला कि हमारे यहाँ पर हमारे गुरुओं ने सिखाया सेवा करना, तो हमारे किसान भाई हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हम हक के लिए सेवा कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर दिल्ली और दिल्ली के बाहर की, इसके अलावा भी, मतलब ये तो धरना तो अब शुरू हुआ है या प्रोटेस्ट, इसके अलावा ये लोग सेवा करते रहते हैं, तो आज सेवा का मौका इनको यहाँ पर मिला है। मैंने आपको बताया कि इसमें शकरपार है, मट्ठी और इलायची अदरक की बेहतरीन चाय, खुशबू यहाँ तक आ रही है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो चाय भी बहुत बढ़िया मिलेगी आपको। मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी भाई साहब, एक स्वर में आवाज आई है, मिलेगी। पहले देखिए, इस धरने को सपोर्ट देने के लिए अलग अलग जगहों से लोग पहुँचे, कुछ स्टूडेंट भी हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली से ही हैं। अच्छा, स्टूडेंट हैं? हाँ जी। अच्छा, तो सपोर्ट किस तरीके से आप लोग दे रहे हैं? नहीं, हमारे लिए सपोर्ट ये कि अगर हमने काफ़ी लोगों से यहाँ पे बात भी की है, वो कह रहे हैं कि हम अगर उनके साथ सिर्फ खड़े हैं, उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर हम उनको पूछ भी रहे, हमने पर्सनली जाके कितने लोगों को पूछा है कि आपको कोई रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रही है, सबका यही जवाब था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोग हमारे साथ आके खड़े हो, हमारे लिए वही सब। यही एक मॉरल सपोर्ट है, यही सबसे बड़ी बात। तो आप भी, अच्छा बताइए, आप भी स्टूडेंट छात्र हैं आप भी? यस। तो किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए आप एक खुद यहाँ पर पहुँचे हैं आप लोग? यस ऑफ कोर्स, मींस वी सपोर्ट देम एंड वी आर लाइक जो लोग वो बोल रहे हैं, एंड दैट मेक्स वेरी मच सेंस कि एटलीस्ट वो अगर उन लोगों के हित में नहीं, इफ दे थिंक दैट इट इज नॉट इन देयर फेवर, देन एटलीस्ट गवर्नमेंट शुड थिंक वंस बिफोर कंडक्टिंग दिस थिंग। अच्छा, पूरे सिस्टम आपको मालूम है ना कि बिल क्या है, किस तरीके से फाइट? सी आई टेल यू व्हाट, आई एम नॉट टू मच इनटू दिस, बट डेफिनेटली व्हाट आई हैव द ओवरव्यू आई हैव अबाउट दिस मेक्स सेंस अ लॉट, दैट व्हाटएवर देयर डिमांड्स आर, दैट if they won't be able to get the minimum selling price, then definitely makes sense that it will enhance the corporate sector. Pura problem is ki jo ye pehle mang thi MSP vigera jo kal government ne accept kari hai, wo already 2 months se same point pe Punjab mein uske upar wo protest kar rahe the. अब उन्होंने जब बोला कि नहीं वी आर नॉट, जब उनकी बात नहीं मानी तो वो दिल्ली बॉर्डर्स पे आ गए। दिल्ली बॉर्डर्स पे आने के बाद आप वही वाली मांग जो 2 महीने पहले थी आप मान रहे हो, तो इट इज़ लाइक गिविंग टॉफी टू अ चाइल्ड, बट दे आर नॉट चाइल्ड ओवर हियर, नोबडी इज़ अ चाइल्ड, तो दैट्स द इशू। आप वो कह रहे हैं कि इसको टोटली ही रिवोक करो बिकॉज नोबडी इज़ अ फूल ओवर हियर। बात बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए कि अभी मेन क्या है कि बिल, तो देखो हम ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट ने अगर कुछ करा है, ठीक है, सोच समझ के कुछ ना कुछ एक्सपर्ट्स लेकर बैठे हुए हैं, करा होगा, बट अगर वो जिन चीज़ उनके फेवर में ही नहीं जा रही, जो चीज़ वही कहते हैं ना कि अगर मेरे को ठंडा यहाँ एसी लगा दोगे, मुझे चाहिए ही नहीं। अगर एक जो आप गवर्नमेंट बनाई है वो हमारे पब्लिक ने बनाई है ना, अगर वो चीज़ तो क्यों दे रहे हो, जबरदस्ती थोप क्यों रहे हो? और अगर उसके अंदर 2-3 चीज़ें देखेंगे कि ठीक है, आजकल का किसान या जो भी है, कोई भी आजकल उनके घर से भी बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं, चाहे वो अपना स्टेट्स में जा रहे हैं या बाहर अब्रॉड जा रहे हैं, तो वो पढ़ रहे हैं, उनको भी चीज़ों का पता लग रहा है कि एक्चुअल में चीज़ क्या है। अगर हम भी बिल की डिटेल देखें, तो अगर मैंने भी जितना पढ़ा है, अगर आप आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर आप फैक्ट्स पे जाओगे ना, तो उसके अंदर ये चीज़ है कि एक एक्स MP एक्स MLA या जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियन है, उसकी जो इनकम के अंदर राइज है ना, वो 180-280% का राइज है। और अगर आप किसान की बात करोगे ना, तो दैट इज़ ओनली 18%। और अगर एक किसान की है ना, तो पर डे की इनकम 288 रुपीज़ की है, 8,000 पे, जिसके अंदर उसका पूरा परिवार पलता है, 288 रुपये पर दिन की, अगर आप फैक्ट्स पे जाओगे तो। बाकी आप देख लो कि आप क्या कह सकते हो, क्या सोचोगे, क्या करोगे। वार्ता विफल रही है, अपनी अपनी जगह पर चबड़े हैं, सरकार अपने बिल पर अड़ी है, किसान सड़कों पर अड़े हैं, और उनका बार बार ये बोलना है कि बिल अब वापस होने चाहिए। लेकिन कुछ संगठन इसमें थे, वो ये कह रहे थे कि संशोधन हो जाए या उसके ऊपर कोई सेटलमेंट हो जाए तो मामला बन सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब तीनों बिल वापसी की मांग है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इससे पहले जो लोग का कुछ संगठन थे, उनका ये बोलना था कि सेटलमेंट हो जाए या कोई संशोधन अगर हो तो हम लोग सेटल हो सकता है मामला, लेकिन अब बिल्कुल तीनों बिल सिरे से खारिज करने की बात कर रहे हैं और वापस करने की बात कर रहे हैं। ऐसा है, जो हमारी कमेटी बनी हुई है 35 लोगों की, वो जो भी वो फैसला लेगी वो हम लोगों का निर्णय है। वो बैठकर वहाँ फैसला, कल भी बैठक में बैठे थे, आज भी 2 बजे की बैठक में बैठेंगे। वो जो लोग हमारे लोग आगू हैं ना, वो जो लोग फैसला लेंगे वो लोग हम लोग। संशोधन की बात आई थी, अब उसके बाद अब वापस की बात है। नहीं, संशोधन की ये बात थी ना, वो फिर पीछे किसान नहीं ने हमारे लोगों को मान रहे ना।
यह है किसान लोग नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं जो ये बिल है बिल्कुल वापस लिए जाए, संशोधन वाली बात नहीं है। अब अगर ऐसे में अगर नहीं बन पाता है मामला तो स्थिति क्या बन रही है? स्थिति इससे ज़्यादा बढ़ेगी और क्या, किसान रोडों पर रहेगा, वो कह रहे घर की जाके क्या करेंगे हम लोग, जब हमारे लोगों को ज़मीनें नहीं रहेंगी, कोई जरिया नहीं रहेगी तो हम लोग घर जाके क्या करेंगे, यही खाएंगे यही पढ़ेंगे, दिल्ली में रहेंगे, जितने दिन है आधी निकल गई आधी और निकालेंगे, हमारे लोग बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं हमारी आधी निकल गई है आधी और यही निकाल डालेंगे। अब आगे जो आपका भारत बंद का कॉल है, मंगलवार को भारत बंद की बात कही है, तो क्या उसके ऊपर अभी कॉल वो जारी है, उसके ऊपर नहीं वो जारी है बिल्कुल, वो जो वहाँ लोग फैसला ले रहे हैं मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। हाँ वो बंद रहेगा, वो ऐसा है ना जिधर जिधर से जो जो किसान आया है वो इलाके में अपने अपने वहाँ उनके फोन मीडिया से जा रही हैं, बातें जा रही हैं, वो अपने अपने इलाके से बंद करेगा। अच्छा, आप किस तरीके से भारत बंद का पूरा तरीके से ऐलान हुआ है, संशोधन की बात रही थी, अब ऐसे में स्थिति आखिर में क्या बनती है? सेटल में कोई तो ऐसी बात होगी, अगर बिल वापस नहीं होते हैं तो कोई और दूसरा ट्रैक है, ऐसा कोई दूसरा विकल्प है? देखिए भाई साहब, ऐसा कोई रास्ता नहीं है इसके बिना, इनका हमारा जो रूल्स है, किसानों को जो हक चाहिए इन तीनों बिलों पे अड़ा हुआ है, इनको वापस ही लेना पड़ेगा तभी हमारा समाधान होगा, मतलब वापसी पे ही बात बन पाएगी। देखिए, क्योंकि इससे पहले ही मैंने कहा था कि जो मामले हैं बने हुए वो इसी के ऊपर है, टिके हुए हैं कि बिल वापस ही होना चाहिए, जबकि कुछ संगठन थे बीच में जिन्होंने बात करी थी कि अगर संशोधन हो जाए तो उसके ऊपर सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, अब सिरे से बिल खारिज करने की वाली बात है और तीनों बिल जब तक वापस नहीं होंगे तब तक मामला नहीं बनेगा।